एक बार एक लड़का और लड़की दोनों मिलकर प्यार कर शादी कर ली थी। वो लड़का एक बहुत ही बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। तब एक दिन वो दोनों पति पत्नी ने मिलकर बाहर घूमने जाने की फैसला कर लिया था। तब जब वो दोनों मिलकर बस बाहर निकलने ही वाले थे, तब उस लड़के के पिता ने उससे कहा था, बेटा तुम्हारे पास 300 रुपए होंगे। तब उस लड़के को बहुत ही एक अजीब सा चीज महसूस हुआ था। तब उस लड़के के सामने बचपन की एक छोटी सी घटना याद आ गया था। छोटे उम्र में उसने अपने पिता से कहा था, पापा 10 रुपए होंगे। तब पापा ने भी उससे यही पूछा था कि बेटे आखिर तुम्हें 10 रुपए क्यों चाहिए। तब उसने कहा था, मैं इस 10 रुपए से क्रिकेट का बॉल खरीदूंगा। सारे दोस्तों ने मिलकर चंदा जमा कर हम लोग नया बॉल लेंगे। लेकिन तब पापा ने 10 के जगह पे एक 100 रुपए का नोट मेरे हाथों में देकर कहा था, बेटा इन पैसों से तुम अपने लिए एक नया सा बॉल खरीद लेना। तब वो जब अपने पापा के दिए हुए पैसों से बॉल खरीद कर मैदान में गया था, उस दिन उसका सीना गर्व से भर उठा था। लेकिन ये गर्व खुद को लेकर नहीं था, बल्कि अपने ही मिडिल क्लास पापा को लेकर था। भले ही उसके पापा आर्थिक रूप से मध्यम वर्ग के थे, लेकिन वो खुद कुछ भी ना पाकर उसे सब कुछ दिया था। दिन भर कड़ी मेहनत कर अपने बेटे की सारी ख्वाहिशें पूरा किया था। तब बेटे ने सोचा, सच में समय कितना तेजी से बदल जाता है। आज उसके पापा वो छोटी सी नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन तब उस लड़के के दिल दुख से भर चुका था। तब उसके वॉलेट में लगभग 8,000 रुपए के आसपास था। तब वो लड़का अपने बैग से 800 रुपए निकालकर अपने पापा को बस देने ही वाला था, लेकिन अचानक उसके पत्नी ने उसके हाथों से सारे नोट समेत पूरा वॉलेट उससे छीन लिया था। तब उस लड़के ने मन ही मन सोचा, आज हमारे शादी के लगभग 8 महीने पूरा हुआ। इन कुछ दिनों में वो तो बहुत ही अच्छी इंसान लग रही थी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो मेरे परिवार को अपने परिवार के तरह ही स्वीकार कर लिया है। लेकिन ये क्या, मैंने ये कैसी लड़की से शादी कर ली। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ, वो लड़का उसके लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं था। उसकी पत्नी ने उस बैग से सिर्फ 500 रुपए निकालकर बाकी सारे नोट उसके पापा के हाथों में थमा दिए थे। तब पापा ने कहा, अरे पागल, मैं आखिर इतने सारे पैसों का क्या करूंगा। तब उस लड़के की पत्नी ने कहा, थोड़ा बाहर जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे और आपको जो कुछ भी अच्छा लगे वो खा लेना। और उसके बाद पत्नी ने उस लड़के के हाथों में उस खाली वॉलेट को थमा कर कही थी, सुनो, मम्मी पापा को फिर कभी भी इस तरीके से हाथ फैला कर पैसे ना मांगने पड़े, उसका ही हल निकालो। तब वो सब सुनने के बाद उस लड़के का सीना गर्व से भर उठा था। तब उसने जब अपने पत्नी का हाथ पकड़ा था, तब वो खुद को दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसान के रूप में महसूस कर रहा था। दोस्तों, पैसे कमाए जाते हैं सिर्फ अपनों के लिए ही, लेकिन अगर उस पैसों से अपनों का कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर उन सारे पैसों का क्या मोल है। इंसान के प्यार को छोड़कर बाकी सब तो बस 4 दिन की चांदनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे बहुए हैं जो संतान को माता पिता से बहुत दूर रखना चाहती है, और इस कहानी के तरह बहुए भी है जो अपने सास ससुर को बिल्कुल अपनी माँ बाप की तरह ही मानती है। जिंदगी में खुशी या फिर मस्ती करने का मतलब सिर्फ महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना या फिर पार्टी करना नहीं होता है। माता पिता और परिवार के प्रति एक अनोखी मुस्कान और प्यार होना ही काफी होता है। और इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या करेंगे वो तो आप ही जानते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करना, कमेंट पे बताना वीडियो कैसा लगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना, या फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।